जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए चॉइस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहाँ से आम नागरिक खुद से आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद उसे कभी भी किसी भी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर फैमिली मेम्बर्स में से किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसे ऐड भी कर सकते हैं, उसका भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पोर्टल के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आयुष्मान कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड इस पोर्टल में और क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो अब आपको चॉइस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप खुद से ही जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे इस पोर्टल से। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश नायक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नायक टेक्नोलॉजी। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए पसंद आए तो। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां से अब आम नागरिक भी अपने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आ जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है आयुष्मान भारत में अपना नाम जानना और कार्ड बनवाना हुआ अब और भी आसान। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ एंड सर्च बेनिफिशियरी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद अपना KYC करना होगा। जब अप्रूव हो जाता है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, मैं आगे चलकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ चेक बॉक्स पर सिंपली क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए eKYC हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार डिटेल के अनुसार आपके यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपकी कोई भी डिटेल यहाँ पर मिसिंग है जैसे ईमेल आईडी वगैरह, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल दिया हुआ है, तो अगर आपकी आधार कार्ड में जो डिटेल है, एड्रेस है, वही आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप अपना एड्रेस यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, अब रोल डिटेल्स, तो यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आपको BIS 2.0 इसको सिलेक्ट करना है, और रोल में आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और सेल्फ यूजर इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन हैज बीन क्रिएटेड फॉर NH, ये आपका यूजर आईडी है, आप इसे कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से जो है वही पेज पर आ जाना है, होम पेज पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको रजिस्टर साइन इन बटन पर क्लिक करना है, और जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर साइन इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद OTP हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आ गया, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं PMJAY सेस। तो यहाँ पर 2011 जनगणना के मुताबिक अगर आपके नाम लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, और अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है PMJAY स्टेट स्कीम्स। अगर आपका 2011 जनगणना के मुताबिक लिस्ट में नाम नहीं है तो आप राशन कार्ड, अपने स्टेट लेवल के राशन कार्ड के मुताबिक जो है अप्लाई कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, और डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा ऑप्शन है फेस RD कॉन्फ़िगरेशन का, और हेल्प सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले अपना लिस्ट में नाम किस तरीके से ढूंढना है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम जो है लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला
सेस के जरिए यानी कि 2011 जनगणना के मुताबिक आपको सर्च करना है, तो यहीं पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल। उसके बाद आपको सिलेक्ट स्टेट में अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी सभी स्टेट यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, केवल आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यहाँ के आम नागरिक अभी के टाइम में जो है आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं खुद से। बाकी स्टेट हो सकता है कुछ समय बाद जो है यहाँ पर लिस्टेड कर दिया जाए, जिसके बाद सभी स्टेट के आम नागरिक आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी स्टेट है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, इनमें से किसी राज्य से हैं तो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है और अपना विलेज का नाम, गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद यहां पर सर्चिंग लेगा और लिस्ट आ जाएगी। तो ये 2011 जनगणना के मुताबिक ये लिस्ट आ रही है, इसमें आप सर्च बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना नाम एंटर करके सर्च कर सकते हैं, या तो फिर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हर पेज में जो है नाम दिए हुए हैं और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन ये है PMJAY स्टेट स्कीम्स। यहाँ पर अप्लाई आयुष्मान कार्ड थ्रू स्टेट स्कीम, इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसके बाद आपको उसी तरीके से शहरी है तो अर्बन, नहीं तो ग्रामीण है तो रूरल सिलेक्ट करके सिलेक्ट स्टेट में स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम में स्कीम सिलेक्ट कर लेना है जो भी इसमें से है, जैसे कि राशन कार्ड है तो राशन कार्ड। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और राशन कार्ड नंबर एंटर करके आप गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगी, उसके तहत आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप अपना नाम किस तरीके से यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किस तरीके से करेंगे। अगर आपने अपना नाम यहाँ से ढूंढ लिया है तो आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको उसी तरीके से अपने गांव का लिस्ट निकाल लेना है और अपना नाम ढूंढ लेना है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा तो यहां पर कार्ड स्टेटस में कार्ड नॉट मेड इस तरीके से लिख कर आएगा, अगर बन गया होगा तो कंप्लीट लिख कर आएगा। तो अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आप बनवाना चाहते हैं तो आपको कार्ड नॉट मेड इसके जस्ट बगल में व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है, फिर अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है और गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। अगला स्टेप में आपको एंटर योर डिटेल्स में आपकी डिटेल्स एंटर करनी है, ईकेवाईसी डिटेल्स में केवाईसी कर लेना है, उसके बाद रिव्यू कर सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू की जाएगी और अप्रूव हो जाने के बाद आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किस तरीके से करना हो गया। अब आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किस तरीके से करना है बन जाने के बाद। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको फिर से उसी तरीके से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपका नाम ढूंढ लेना है, अगर बन गया होगा तो यहाँ पर कंप्लीट इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। इसके बाद आपको व्यू बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर एंटर कर लेना है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आए हुए ओटीपी को एंटर कर वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आप अपना आयुष्मान कार्ड यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आप यहां पर ऐड मेंबर बटन पर क्लिक करके अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उनका भी आयुष्मान कार्ड यहां से बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको जो है अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है और ओटीपी एंटर कर वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको यहां पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा ऐड मेंबर का। तो इस तरीके से दोस्तों आपको आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब आप खुद से इस तरीके से इस नए पोर्टल के जरिए आयुष्मान कार्ड के लिए खुद से अप्लाई कर पाएंगे, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, कोई मेंबर को ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस नए पोर्टल से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।